छापेमारी करने गए बिजली कर्मचारियों पर हमला, कानपुर में भीड़ ने की मारपीट, ड्रोन तोड़ने की कोशिश, कर्मचारी जान बचाकर भागे। कानपुर में ड्रोन से निगरानी करके कटियाबाजों पर छापेमारी करना कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी कैस्को टीम को भारी पड़ गया। कंगी मोहल इलाके में शनिवार सुबह भीड़ ने कैस्को टीम को घेर लिया, उनके साथ मारपीट की और एक कर्मचारी का मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। साथ ही ड्रोन को भी तोड़ने का प्रयास किया। टीम किसी तरह वहां से जान बचाकर निकली। इसी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। कैस्को की टीम ने 7 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करने और मारपीट के आरोपों में FIR दर्ज कराई है। पावर हाउस कैस्को के SDO सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया, सुबह 6:45 पर कंगी मोहाल में मकान नंबर 99/350 से 354 तालीमूल इस्लाम स्कूल के पास टीम पहुंची। इलाके के SDO और JE के साथ आई टीम ने ड्रोन उड़ाकर छापेमारी शुरू की। मामले की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद 10 से 15 लोगों की भीड़ ने कैस्को टीम को घेर लिया। गाली गलौज करते हुए वह मारपीट करने लगे। आरोप है कि इलाके के छोटे वाला पप्पू और रिजवान ने भीड़ के साथ दबंगई दिखाते हुए चेकिंग रुकवा दी। मामले की जानकारी मिलते ही 112 नंबर पर सूचना दी गई। PRP और बजरिया थाने की पुलिस मौके पर जांच करने पहुंची।